हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सिद्धेश और मैं आपके लिए लेके आया एक फ्रेश वीडियो Redmi Note 9 Pro के ऊपर। सो गाइस, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसके सभी स्पेसिफिकेशंस बता दूंगा। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे की सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और आपको सभी ऑफर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो टोटली दोस्तों कन्फर्म हो चुके हैं और गाइज यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का फ़ोन होने वाला है। और साथ ही में दोस्तों इसका परफॉर्मेंस जो होगा ना वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का होगा और साथ ही में आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलना है, तो डेफिनेटली गाइज कॉम्बिनेशन तो ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात करें तो आपको इसमें ग्रेडियंट प्लस ग्लास का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि Redmi K20 की तरह ही होने वाला है। साथ ही में अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला है। और साथ ही में दोस्तों अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले मिलेगा या तो अंडर डिस्प्ले जो कि Xiaomi ने पहले ही शोकेस किया था। सो गाइस, आपको इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है, जैसे कि एक पंच होल डिस्प्ले या तो दोस्तों आपको इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल सकता है। साथ ही में अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सो गाइस कोई भी फ़ोन होने तो हमें तो परफॉर्मेंस एक्सट्रीम लेवल की ही चाहिए भैया। हमें तो गेम्स खेलने हैं, हमें मल्टीटास्किंग करनी है, हमें और कई सारे फीचर्स को यूज़ करना है, तो हमें उसके लिए तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चाहिए ही है। तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट मिलने वाला है जो कि कन्फर्म हो चुका है, स्नैपड्रैगन 735 जो कि एक 5G चिपसेट होने वाला है। बट दोस्तों यहाँ पर एक निराशा की बात ये है कि हमारे इंडिया में 4 साल तक हमें 5G के लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों 5G अभी इंडिया में नहीं आने वाला है कुछ रीजंस की वजह से। अगर आपको रीजन जानने तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। सो गाइस, अगर हम कैमरा की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको पेंटा कैमरा सेटअप मिल सकता है जहाँ पर आपको जो मेन सेंसर होगा वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही में 16 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 का आपको यहाँ पर प्रॉपर सेटअप मिलेगा जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो भी आप दोस्तों 960 FPS तक शूट कर सकते हैं, 1080p का रिजोल्यूशन है, 4K वीडियो भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में स्लो मोशन, नाइट मोड, काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा और दोस्तों आपको इसमें HDR का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की होगी। बैटरी की बात करें तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसे 2 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जिससे आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं एक 27W के फास्ट चार्जर के साथ जो कि डेडिकेटेड आपको बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो ये 464, 6128 और 8256 के वेरिएंट्स में आएगा और जो बेस प्राइस होगी वो 16,000, 18 और 20,000। सो गाइस, ये कुछ था एक पैकेज Redmi Note 9 Pro के साथ आपको जो मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो पैकेज है ये आपको 2020 के मिड में देखने को मिलेगा, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।